रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी, 10.5 मीटर चौड़ी बाईलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा।